इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। वैसे तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का असर बेलगाम जिले में कम होता नजर आ रहा है, पर मोहकमा तालीम में बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह भी उतनी ही अजीब है। कुछ दिनों का इंतजार है अगर सिर्फ एक शख्स का पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट। यहाँ डर भी यह देखा जा रहा है कि कहीं अहम ओहदों पर फाइज तालीमी दफ्तर को ही क्वारंटाइन होने की नौबत ना आए। इस डर के तहत वक्त गुजर रहा है, अहम ओहदे पर बैठे अफसर की लापरवाही से यह नौबत आन पड़ी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हासिल इत्तला के मुताबिक तालीमी महकमा के आला अफसर के दफ्तर में खातून जो मुलाजमत करती है, इसका लड़का राजस्थान से बेलगाम दाखिल होता है, जिसे होम क्वारंटाइन किया गया था। अपने बेटे को होम क्वारंटाइन करने के बावजूद इसकी वालिदा दफ्तर में काम पर आ जा रही थी और तमाम दफ्तर के आला अफसरान को चाय के साथ दिगर दस्तावेज देने का भी काम अंजाम दे रही थी। मसला यह है कि इस दफ्तर के आला अफसर को जब पता था कि इस खातून का लड़का राजस्थान से आया है और इसे होम क्वारंटाइन किया गया है, इसे उसी वक्त छुट्टी दे देनी थी, पर मुस्तकिल काम पर वो आती रही। अब अंदेशा यह है कि खुदा ना खास्ता अगर उस लड़के का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी माँ के साथ पूरा दफ्तर कोरोना की चपेट में आ सकता है। अब तो सवाल यहाँ तक उठाए जा रहे हैं कि अगर नेगेटिव आता है तो मामला तो सुलझ जाएगा, पर अगर पॉजिटिव होता है तो कितने अफसर, कितने टीचर्स जो तालीमी महकमा जाकर आए, फिर कितने लोग जिन्होंने इन तमाम लोगों से राब्ता किया, और इसी का डर महकमा तालीम के दफ्तर में काम करने वाले अफसरान को हो रहा है। कहीं क्वारंटाइन हो ना जाए, इस डर से कईयों की नींद उड़ गई है। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, पर जिस दिन नेगेटिव या पॉजिटिव होगा उसी दिन यहाँ के तमाम लोगों को इत्मीनान की सांस लेनी पड़ेगी। फैजाबाद जिला अयोध्या में खुदाई के वक्त बौद्ध विहार की दलीलें बरामद हुई हैं, लिहाजा इसे यादगार बौद्ध कहा जाए, ऐसा मुतालबा आज बेलगाम डीसी को बौद्ध महासभा की जानिब से दिया गया। वाजा रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजा भारत में तारीखी रहा और इसी के मद्देनजर कई फसादात पूर करावे भी देखे गए। आखिरकार अदालत का फैसला भी आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी। बाबरी मस्जिद को तो शहीद किया गया और आखिरकार फैसला भी हुआ। खैर, कईयों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एतराजात भी रहे, लेकिन जब उसकी खुदाई हुई, यानी कि उस जिस जगह पर मस्जिद थी जिसके नीचे खुदाई हुई, तो इसमें बौद्ध मजहब से मेल खाते बाकियात यानी कि अवशेष हासिल हुए। बौद्ध महासभा का कहना है कि इस जगह पर 2000 साल पुराने बाकियात हासिल हुए और इससे यह साबित होता है कि यहाँ किसी तरह का राम मंदिर था ही नहीं, बल्कि यह जगह बौद्ध विहार की थी। कई मूर्तियां पत्थरों पर लिखी तहरीर धम्मचक्र बौद्ध मजहब की तारीख बयान कर रही है। तमाम वाकियात यानी अवशेष बहुत ही कीमती हैं और हजारों साल पुराने हुकूमत हिंद से यह मुतालबा करते हैं कि इस राम मंदिर, इसे राम मंदिर न कहते हुए यादगार बौद्ध कहा जाए, क्योंकि राम मंदिर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बौद्ध महासभा का कहना है। यह बुद्ध की जगह, इसके लिए अदालती दलाइल मौजूद है। बौद्ध महासभा के मरकजी इजलास में जो फैसले लिए गए इसकी तफसीलात भी दिए गए। इन्होंने बौद्ध मजाहिब के साथ मौर्य, यादव, कुशवा, कोली, कोरी, कुर्मी, जटाओ और दिगर जमातों के भी दस्तखत मुतालबे में मौजूद है। इस वक्त बौद्ध महासभा के जिला सदर श्रवण शिंदे, मल्लेश कुरंगी, सेक्रेटरी शिवप्पा हल्ली, ट्रेजरर यमनप्पा गड़ीनायक और दिगर बौद्ध मजाहिब के जिम्मेदारान इस वक्त मौजूद थे। अब बेलगाम के भी अस्पतालों में होगा कोरोना टेस्ट मुफ्त। रियासत हुकूमत का फैसला वजीर श्री रामुलु ने किया है यह ऐलान। रियासत वजीर बराए सेहत ने श्री रामुलु ने आज कहा कि कर्नाटक में आलमी वबा कोरोना मामलात में बेतहाशा इजाफा के पेश नजर रियासती हुकूमत ने एक अहम तरीन फैसला लिया है। हुकूमत ने रियासत के हर फर्द को कोरोना टेस्ट से गुजरने के लिए COVID-19 जांच को मुफ्त किया गया है। कर्नाटक हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों में तमाम अफरादों को कोरोना टेस्ट मुफ्त करने का ऐलान किया है। इतवार के रोज निहायत अहम फैसला करते हुए हुकूमत ने कहा कि जो अफराद प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना जांच करवाएंगे
इनके मेडिकल चार्जेस हुकूमत अदा करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि किसी भाषा जात पात धर्म का फर्क न करते हुए मेडिकल जांच के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। उन्होंने आगे भी कहा कि हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कर्नाटक कार्ड, सरकारी आरोग्य बीमा और दिगर हेल्थ कार्ड रखने वाले बाशिंदों की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मेडिकल जांच कराने पर इनके अखराजात हुकूमत अदा करेगी। इसके लिए उन्होंने 443 अस्पतालों में मुफ्त जांच होगी, हेल्थ कार्ड और सरकारी अफसरों की सिफारिश भी दरकरार रहेगी, ऐसा भी इसमें लिखा गया है, जिसमें बेलगाम के 47 अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। वजारत के ख्वाहिशमंदों के उम्मीदों पर वजीर आला येडियुरप्पा ने फेर दिया पानी, कहा कि पहले कोरोना से निपटेंगे फिर आपको वजारत दी जाएगी। येडियुरप्पा हुकूमत तौसी के उम्मीद और वजारत के ख्वाब देखने वालों का ख्वाब तवील होने पर कुछ उम्मीदवारों में मायूसी नजर आई। हासिल इत्तला के मुताबिक वजीर आला येडियुरप्पा ने मखसूस लोगों की मीटिंग में यह दो टुक कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रियासत की माली हालत ठीक नहीं और इंतहाई खराब हो चुके, आने वाले दिनों में माशी सरगर्मियों को तेज करके रियासत के लिए आमदनी के जराए बढ़ाने की जद्दोजहद की तरफ मुतवज्जा रहेंगे, इसलिए अगले 2-3 महीनों तक काबिना में यानी मंत्रिमंडल में तौसी या किसी तरह का रद्दबदल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद जिन्हें नींद में भी कुर्सी नजर आ रही थी अब ख्वाब को भी ब्रेक लग गया है। 26 जुलाई को येडियुरप्पा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है और ऐसे में शंकर नागराज, उमेश कत्ती समेत दिगर भाजपा कैदों में वजीर बनने के ख्वाहिश शिद्दत से जाग उठी थी और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि वजीर आला हुकूमत के 1 साल तकमील से पहले ही वजारत में दाखिल कर लेंगे, पर येडियुरप्पा की तरफ से साफ तौर पर कहना इनकी मायूसी का सबब बन चुका है। भारत के खिलाफ दुश्मनी के लिए नेपाल ने शिद्दत इख्तियार किया। पहले तो वो नक्शा जिस पर तनाजा था, वैसे तो भारत और नेपाल की दोस्ती काफी पुरानी है और बहुत गहरा याराना था, पर जब से मोदी हुकूमत आई है अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। वो नक्शा जिस पर तनाजा था उसे मंजूरी दी और पार्लियामेंट में भी मंजूर कराया गया। अब टीवी रेडियो पर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और भारत देश की मुखालफत में बयानात और गीत गाए जा रहे हैं। हर रोज एक नया कानून भारत के खिलाफ और उसकी मुखालफत में पास किया जा रहा है। एक बार फिर कानून में तब्दीली करते हुए भारत से शादी कर लौटी दुल्हन को नेपाल की शहरियत 7 साल तक ना देने का कानून पास किया गया। पहले ऐसा नहीं था, पर भारत के साथ बढ़ती तलखी से भारत विरोधी कानून बनाए जा रहा है। इस कानून को मंजूरी नेपाल के वजीर खारिजा राम बहादुर थापा ने दी है। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में है। वाजह रहे कि नेपाल दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र था और वजीर आजम मोदी ने वहां के पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी की थी। भारत में भी कुछ तंजीमें हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, पर नेपाल के बाद शायद इन्हें मायूसी हाथ लगी होगी, ऐसा कह सकते हैं। इतिहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।